हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि एक से लेकर पाँच तक आप पढ़ा नहीं सकते हो, और आप लोग जानते हो कि पीआरटी में अच्छा खासा वैकेंसी आता है, तो जॉब लगने की जो संभावना होती है वो ज़्यादा होता है, राइट। तो आप लोगों को बाकी चीज़ तो इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा कि बीएड वालों को बाहर कर दिया गया है पीआरटी से, ठीक है। अब इसके लिए आप जितने भी बीएड धारक हैं वो सभी ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं, अभियान कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट सभी बीएड जितने भी बच्चे हैं जो बीएड किए हुए हैं या कर रहे हैं या आगे करेंगे, प्लीज़ सर ट्विटर पर जाइए, ट्विटर को डाउनलोड करिए और पार्टिसिपेट करिए, राइट। मैं अपनी एंड से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं ट्वीट कर रहा हूँ, आप लोग भी ट्वीट करिए, राइट। क्योंकि देखो बूंद बूंद से खड़ा पड़ता है, आप लोग ट्वीट करते रहोगे। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें बदल जाएगा, ठीक है, या इसमें कुछ भी, अगर अध्यादेश आता है, गवर्नमेंट लाता है तो ही कुछ हो सकता है। अदरवाइज़ सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, उसकी बात को मानना है, रिस्पेक्ट है, ठीक है, उनके ऑर्डर को रिस्पेक्ट है। लेकिन फिर भी हम भी चाहते हैं कि बीएड धारक जो हैं वो कहीं ना कहीं पीआईटी में आएं, चाहे उसके लिए कोई ब्रिज कोर्स ही करना पड़े। जैसे कि अगर आप 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करना पड़े या एक साल का भी कुछ कोर्स होगा जिससे कि करने के बाद वो पीआईटी पे एलिजिबल हो सकते हैं, तो ऐसा कुछ गवर्नमेंट कर सकता है, राइट। क्योंकि देखो मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहा है, बच्चों को बहुत सारे निराश हो गए हैं, बच्चे डिमोटिवेट हो गए हैं। तो यहाँ पर डीएलएड वर्सेस बीएड नहीं था, तो डीएलएड वाले ये ना समझे कि हमारी जॉब ले रहे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि डीएलएड वालों को भी ब्रिज कोर्स करा के टीएचडी पीएचडी के लिए आप एलिजिबल कर दो। देखो करने तो आप पॉसिबल कुछ भी कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके से कोई भी बच्चा ये होगा कि उसकी उम्मीदें नहीं टूटेंगे, राइट। और गवर्नमेंट कर सकता है, पॉसिबल है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को हम ऑडियंस लग के अध्यादेश जारी करके हम इसको बदल सकते हैं। देखो मैं तो ट्वीट कर रहा हूँ अपने एंड से, आप लोग भी ट्वीट करिए। जैसे मेरा ट्वीट है तो इसको आप रीपोस्ट कर सकते हैं, रीट्वीट कर सकते हैं, राइट, लाइक कर सकते हैं इस ट्वीट को। और किस प्रकार से करना है मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको डाउनलोड कर लेना है, अपना अकाउंट बना लेना है, उसके बाद मान लीजिए ये पोस्ट मैं आपको अभी सेंड कर देता हूँ, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पर हैशटैग हम लोग डाल रहे हैं, वी वॉन्ट, स्पेलिंग सही करना, वी वॉन्ट बीएड। जैसे ही आप वी वॉन्ट बीएड करेंगे तो हम लोग ट्वीट कर रहे हैं लगातार, तो यहाँ देखो ऊपर वाला ही आ जाता है, तो वी वॉन्ट बीएड इन पीआरटी, ये हो गया। उसके बाद @ लगाकर आप माननीय नरेंद्र मोदी जी को ट्वीट कर सकते हैं, ठीक है। इनका जो अकाउंट है पीएमओ इंडिया, इसको आप ट्वीट कर सकते हो, राइट। साथ ही साथ आप राहुल गांधी जी को ट्वीट कर सकते हो, अखिलेश जी को आप ट्वीट कर सकते हो, ठीक है। @ लगाने से इन सब के पास भी ये पोस्ट पहुंच जाएगा, एटलीस्ट इन लोगों को पता चलेगा कि भाई इंडिया में हो क्या रहा है, क्योंकि इसमें से आधे जो लीडर्स हैं उनको पता ही नहीं होता कि इंडिया में क्या हो रहा होता है। तो ये एक मेजर इशू है, तो इन सबको भी टैग करना है, ठीक है, #हैशटैग लगाना है, उसके बाद इनको टैग कर देना है, राइट। प्रधानमंत्री जी को टैग करना है, राहुल गांधी जी को, अखिलेश जी को टैग करना है, राइट, कि यही हमारे लीडर हैं, और अगर ये सब चाहेंगे तो बिल्कुल कुछ संभावना बढ़ती है, राइट। बाकी अगर हम टैग करना चाहेंगे तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन को टैग कर सकते हैं, राइट। इस तरीके से टैग करके आप, और ये पोस्ट मैं अभी आपको टेलीग्राम पे देता हूँ, टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड करके पोस्ट को, और आप इस तरीके का पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए पोस्ट कर दिया मैंने और ये ऑलरेडी पहुँच जाएगा, राइट। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरे पोस्ट को ऐसे आप रीपोस्ट कर सकते हो, अगर आपको नहीं लिखना ये सब चीज़ें तो आप रीपोस्ट कर दीजिए, ठीक है। और इस तरीके से, तो इस तरीके देखिए 4 लोगों ने कर दिया है, तो इस तरीके से संख्या बढ़ता रहेगा। और मैं भी करता हूँ बाकी लोगों, जैसे बीएड एकता मंच है, तो इसको आप फॉलो कर लीजिए, जाइए यहाँ पर फॉलो कीजिए, मैंने इसको फॉलो किया है, ठीक है। और इनके पोस्ट को भी आप रिपोस्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है, मान लीजिए इसको करना है तो इसको मैंने रिपोस्ट कर दिया, राइट। इस तरीके से आप करते रहिए। देखिए हम लोग ट्रेंडिंग में भी चले गए थे, अगर हम यहाँ देखते हैं हम ट्रेंडिंग में भी पहुँचे हुए हैं, तो हमें ट्रेंड पर रहना ही रहना है, ठीक है। आप कम से कम 1-2 करोड़ करना है, क्योंकि हम देखते हैं कि 3 करोड़ हमारे बीएड धारक हैं, तो हम कम से कम 2 करोड़ तो ट्वीट कर ही सकते हैं ना। तो आप लोगों की हेल्प की आवश्यकता है, इवन आप ही के लिए है, तो इसमें हेल्प की बात क्या है, पूरा एफर्ट लगाइए, लोगों को शेयर करिए वीडियो और ट्वीट करवाइए। धन्यवाद।